हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल ज़ॉम्बीज रिटर्न्स। ये कहानी मार्वल ज़ॉम्बीज वॉल्यूम 2 के बाद की कहानी है, और अगर आपने मार्वल ज़ॉम्बीज वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और मार्वल ज़ॉम्बीज ओरिजिन नहीं देखी तो देख ले, क्योंकि ये सभी आपस में कनेक्टेड है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोज़ हमेशा लाते रहते हैं। और दोस्तों, इस बीच अगर आप कोई कॉमिक सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, जो सीरीज सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगी हम वही दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनंत युगों से लोग मुझे द वॉचर कहते हैं, और ये मेरा काम है कि मैं इनफाइनाइट अल्टरनेट रियलिटीज़ को ऑब्जर्व करूँ मेरी ऑब्जर्वेटरी से, जो अर्थ के मून पर ब्लू एरिया में है। कि कभी ना झपकने वाली आंखों ने बहुत से डरावने और अजीब मंजर देखे, लेकिन एक अल्टरन यूनिवर्स ने मुझे डरा दिया। ये सब शुरू हुआ बादलों के बीच एक चमक से और लहरों के साथ। भूख एक हीरो को दूसरे डायमेंशन से ले आई, और पहले शिकार बने एवेंजर्स, और वो बन गए सोललेस मॉन्स्टर्स जिन्होंने 24 घंटों के अंदर पूरी दुनिया इन्फेक्टेड कर दी। कोई नहीं बच पाया उनकी भूख से, यहाँ तक कि ग्रहों का विनाशक गैलेक्टस का भी विनाश हो गया यहाँ आकर, जब वो यहाँ आकर इस सुपर अनडेड प्लैनेट को खाने की गलती करने लगा। तब उन्हें उसकी कॉस्मिक पावर का कुछ हिस्सा मिला, जब उन्होंने उसे हजम किया। एक आम आदमी ने चालाकी से उन्हें दूसरे डायमेंशन में बैनिश कर दिया। किस और कौन से डायमेंशन में, ये मैं नहीं कह सकता अभी तक, पर मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। उनकी वास्ट पावर और लिमिटलेस हंगर से उनका सिग्नल औरों से ज़्यादा ब्लिंक करेगा इस मल्टीवर्स में। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें स्पाइडरमैन मिल जाता है। आखिरकार इन्फाइनाइट वर्ल्ड से एक मजाकिया सुपरहीरो से शुरुआत हुई स्पाइडरमैन के साथ। तब हम देखते हैं अर्थ जेड यानी अर्थ 91126 को, जहाँ स्पाइडरमैन कह रहा था, नहीं मेलकम, ऐसा मत करो। मैं कहा हूँ, ये तो न्यू वकांडा नहीं लगता। लगता है फॉर्ज और मेलकम ने जो रीड के ट्रांसपोर्टर के बारे में कहा था वो सही था। उन्होंने मुझे किसी और दुनिया में भेज दिया, एक जिंदा दुनिया में। मेरी दुनिया का मैनहट्टन तबाह होकर किसी लाश की तरह हो गया है, और इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं, जाइंट मैन, वुल्वरीन और दूसरे सुपर हीरोज। अगर नीचे जाकर मैं ढूंढूँ तो कोई टेलीपोर्ट होकर यहाँ जरूर आया होगा। मेरी आदत की वजह से मैं अपनी ऑर्गेनिक वेब्स यूज़ करने ही वाला था, लेकिन मेरे मरने की वजह से वो बर्बाद हो चुकी है। लेकिन मेरे पास अब भी गैलेक्टस की कॉस्मिक पावर्स है। लेकिन स्पाइडी उड़ नहीं पाता। उस पर वो कहता है, मेरी कॉस्मिक पावर्स को क्या हुआ, और वो अपने आदत की वजह से अपना हाथ नेचुरल वेब्स शूट करने के लिए उठाता है, और कुछ मसल्स मेमोरी की वजह से वेब्स की जगह नसें और धमनियाँ निकलती है। तब स्पाइडी कहता है, ये दर्द भरा तो है लेकिन कोई चॉइस नहीं है। जब मेरे मॉलिक्यूल्स रीअसेंबल हो जाए तो कॉस्मिक एनर्जीज उन्हें चार्ज कर देगी, लेकिन अभी जो पावर्स है उसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। स्पाइडी अपनी नसों के जाल में बैठा पेपर पढ़ रहा था, जहां वो कहता है, ये डेट तो सालों पहले की है जब मैं कॉलेज में था। शायद मैं समय और स्पेस में टेलीपोर्ट हो गया हूँ। पेपर में वो दो लीडर्स और टैबलेट की खबर पढ़ता है जिसे उसने सालों पहले सॉल्व किया था, और उसे लगता है ऐसा फिर से करने से वो ठीक हो जाएगा, इसलिए वो उस टैबलेट को लेने जाता है। तब एक आदमी स्पाइडी को देखकर अपने बॉस को फ़ोन करने चला जाता है। तब हम देखते हैं उसका बॉस किंगपिन है, जो स्पाइडी का नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, वो मेरे बिजनेस किंगपिन ऑफ क्राइम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो टैबलेट मेरा है, और वो अंडरवर्ल्ड और स्पेशल फोर्स में स्पाइडी को मारने की ऑर्डर दे देता है। तब अर्थ जेड का पीटर और मेरी जेन अपने दोस्तों के साथ एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में थे, जहाँ आपस में वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। तभी जॉम्बी स्पाइडी मेरी जेन को छुप के देखकर कह रहा था, मेरी जेन, मैं तो भूल ही गया था, तुम कितनी सुंदर थी, कितनी यंग, अलाइव और फ्रेश लग रही हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है, स्विंग करके नीचे आओ और तुम्हारे गले को से पाकर संभालो अपने आप को। तुमने सबसे पहले इस हंगर पर काबू किया था, अब इसे खुद पर हावी मत होने दो। तभी नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तब हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस, वल्चर, सैंडमैन, क्रेवन और मिस्टीरियो ने नीचे सब लोगों पर हमला शुरू कर दिया था, ताकि उस दुनिया का स्पाइडरमैन उन्हें बचाने आए। और पीटर इसलिए वहाँ से भागकर चला भी जाता है, ताकि वो स्पाइडरमैन बनके वापस आ सके। लेकिन जॉम्बी स्पाइडी ये सब देखकर कहता है, नहीं,
इन लोगों को मैं मरने नहीं दे सकता, मुझे अब फिर से हीरो बनना होगा। और वो लोगों को बचाने के लिए चला भी जाता है, लेकिन क्रेवन द हंटर ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत सारे हर्ब्स खाए थे, इस वजह से स्पाइडी उनकी बू से अपने ऊपर का कंट्रोल खो देता है। अपने पर से कंट्रोल खोकर स्पाइडी क्रेवन को मार देता है। ये देखकर सारे विलन्स चौंक जाते हैं। तभी मिस्टीरियो अपना इल्यूजन स्पाइडी पर चलाता है, लेकिन जॉम्बी सेंस स्पाइडी को मीट ढूंढने में यानी असली मिस्टीरियो ढूंढने में मदद करता है, और स्पाइडी मिस्टीरियो को मार भी देता है और उसका ब्रेन बाहर निकाल कर खाने लगता है। आगे जॉम्बी स्पाइडी का सामना होता है डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो से। डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, तुमने अब तक हमारे ग्रुप के कमज़ोर लोगों को मारा, अब किसी ताकतवर से लड़ो। और इलेक्ट्रो भी अपना चार्ज बढ़ाता है, लेकिन जॉम्बी स्पाइडी डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटेकल्स इलेक्ट्रो की बॉडी में किसी रॉड की तरह घुसाकर उसका सारा चार्ज डॉक्टर ऑक्टोपस में ट्रांसफ़र करता है, जिससे इलेक्ट्रो कमज़ोर हो जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस मर जाता है। उसे जॉम्बी स्पाइडी खाने लगता है। जॉम्बी स्पाइडी ऊपर देखकर कहता है, वल्चर तुम अभी भी यही हो, और उस पर हमला कर कहता है, तुम्हें उड़ जाना चाहिए था जब तुम्हारे पास चांस था। वल्चर के पंख और हाथ उखाड़ कर वो कहता है, मेरी तरफ देखो, मुझे विश मांगनी है। और उसी के साथ स्पाइडी वल्चर के पंख यूज करके इलेक्ट्रो का सरकार देता है और कहता है, अब विश पूरी हुई,